डॉक्टर साहब, हमने पिताजी का ऑपरेशन कराया था मोतिये का। अब कह रहे हैं कि लेंस खराब हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा पिताजी को, और डॉक्टर बोल रहे हैं लेंस खराब हो गया है, लेंस बदलना पड़ेगा। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके साथ एटलीस्ट रोज मैं 3-4 पेशेंट्स को देखता हूँ। आज मैं इसके सच के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. Hello and welcome everyone. Aaj hai day 20 of cataract surgery diaries. Hum baat kar rahe hain 30 aisi baaton ke bare mein jo aapko zarur pata honi chahiye safed motiye ka operation karane se pehle. Main hoon Dr. Prakhyat Roop. Main Acura Vision Clinics Roop Netralay Meerut mein cataract, cornea aur refractive surgery ka specialist hoon. आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी है। जिस अस्पताल में मैं आज काम कर रहा हूं, ये एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, यानी कि आंखों के जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज जब नहीं हो पाता है या प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, तब इस अस्पताल में पेशेंट्स आते हैं। जाहिर सी बात है, इसीलिए जैसा मैं एम्स में काम करता था वही काम लगभग मैं यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि आसपास से सारे पेशेंट्स जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से पीड़ित हो जाते हैं वो हमारे पास आते हैं। इसीलिए ये प्रॉब्लम कि लेंस खराब हो गया मुझे दिन में कम से कम 3-4 बार सुनने को मिलती है। देखिए, आज मैं आप लोगों से एक छोटे से केस एग्जांपल के माध्यम से डिस्कस कर रहा हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जिससे लेंस खराब हो जाता है। हमारे एक पेशेंट हैं जिनकी आंख में उन्होंने जवानी में, यानी कि जब वो 20-25 साल की थी, तब उन्होंने चश्मा हटाने का ऑपरेशन कराया था, और ये ऑपरेशन पुतली के ऊपर कट्स लगा के किया गया था, जिसको हम रेडियल केराटोटमी या RK बोलते हैं। इसमें अगर आप आंख की पुतली को देखें तो फोटोज में आपको दिखाई देगा कि पुतली के ऊपर ऐसे कट लगाए जाते हैं ब्लेड से, तो आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे कट्स पुतली पे दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडियल केराटोटमी स्कार्स। इनसे पुराने जमाने में पुतली की शेप को बदला जाता था जब तक लेसिक नहीं आया था। इस सर्जरी के बाद आमतौर पे चश्मे का नंबर कुछ सालों के लिए कम हो जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वापस आने लगता था। हमारे पेशेंट की आंख में सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम, इनको सफेद मोतिया हुआ जिसके लिए इन्होंने कैटरेक्ट सर्जरी का ऑपरेशन करा लिया। कैटरेक्ट सर्जरी के ऑपरेशन में इनका लेंस सही जगह पर सही तरीके से नहीं डल पाया, यानी कि सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए और लेंस अपने थैले में जो बैग होता है उसके अंदर नहीं डाला गया। और तीसरी और एक और बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि जो लेंस डाला भी गया वो लेंस सही पावर का नहीं था। जब मेरे पास इनका केस आया तो मैंने इनको ये समझाया कि हमें इस लेंस को बदलना ही पड़ेगा अगर हमें आपकी रोशनी को वापस लाना है। जब ये मेरे पास आई तो इनको केवल 2 मीटर तक दिखाई देता था, यानी कि ये चेहरे को 2 मीटर दूर से पहचान सकती थी, उससे ज्यादा दूरी से ये हाथ की उंगलियां नहीं गिन पाती थी, व्यक्ति का चेहरा नहीं पहचान पाती थी, इनको 3 से 4 मीटर के बाद कुछ दिखाई ही नहीं देता था। हमने डिसाइड किया कि हम इस लेंस को एक्सचेंज करेंगे। जी हाँ, लेंस एक्सचेंज के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आजकल ये काफी चर्चा में है, क्योंकि किंग खान, शाहरुख खान ने अपनी जो कैटरेक्ट सर्जरी कराई थी उसके बाद उनके लेंस की पावर में भी कुछ प्रॉब्लम्स रहीं, जिसकी वजह से उनको लेंस चेंज कराना पड़ा। इसी तरह से हमारे पेशेंट के इस कॉम्प्लिकेटेड केस को हमने डिसाइड किया कि हम लेंस एक्सचेंज करेंगे। जाहिर सी बात है कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से ये काफी जगहों से निराश हो चुकी थी, और जब हमने इनको सर्जरी के लिए बताया तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम सर्जरी कराएंगे। आप देख सकते हैं सर्जरी के दौरान हमने पहले ये खराब हुए हुए लेंस को, जो सही जगह पे नहीं पड़ा है, उसको रिमूव किया, क्योंकि इसकी पावर सही नहीं थी। फिर उसके बाद
हमने लेंस को सही जगह पर फिक्स करने की जगह बनाई, पीछे से जो जेली आगे आ रखी थी उसको रिमूव किया और उसके बाद लेंस को सही जगह पर फिक्स कर दिया। इसके बाद हमने उनके जो काला तारा है जो कि इस खराब कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की वजह से डैमेज हो गया था, उसको भी सेंट्रल और सर्कुलर बना दिया, यानी कि जो नजर की खिड़की है आंख में वो वापस से हम सेंटर में ले आए। आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने सर्जरी शुरू करी थी तो ये जो काला तारा है जो यहाँ पर ब्राउन कलर से दिखाया गया है, ये सारी पुतली हमारे पेशेंट की फैली हुई थी, एक कोने में खिंची हुई थी। जब हमने सर्जरी खत्म करी तो हमने इसको वापस से सेंटर में और गोल बना दिया ताकि जो लाइट आए वो सीधा सेंटर से एंटर हो और आंख के अंदर पर्दे पे फोकस हो पाए लेंस के सेंटर के थ्रू पास करते हुए। साथ ही हमने IOL Master 700 जो हमारा ऑप्टिकल बायोमीटर है और दुनिया की सबसे ज्यादा बेहतरीन मशीन मानी जाती है लेंस का पावर निकालने के लिए, उसका इस्तेमाल करके जो लेंस हमें डालना था उसकी सही पावर को निकाला और वो लेंस हमने इम्प्लांट किया। दोस्तों, काफी ज्यादा लोग जो इवन कई सारे ट्रेनिंग डॉक्टर्स या अर्ली प्रैक्टिस के डॉक्टर्स भी ये बात नहीं जानते हैं कि एक्चुअली जो ये ऑप्टिकल बायोमीटर्स हैं इनको हर सर्जन के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है, यानी कि मैं जैसे सर्जरी करता हूँ उसके रिजल्ट्स सटीक आए। इसके लिए जब हम मशीन को बार बार अपने रिजल्ट्स बताते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हमें और ज्यादा एक्यूरेट लेंस पावर बताने लगती है। तो ना सिर्फ ये मशीन इम्पॉर्टेंट है पर इसको ऑप्टिमाइज करना भी इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे सेंटर्स में नहीं होता है। लेकिन हमने क्योंकि काफी सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस किए हुए हैं पास्ट में, तो उसका डेटा हम अपनी मशीन में फीड करते हैं जिससे हमें और ज्यादा सटीक नतीजे मिलते हैं जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। इसी वजह से जब ये पेशेंट हमारे पास पोस्ट ऑप में आई तो इनकी खुशी देखने लायक थी, बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इन्होंने 20 साल पहले भी ऐसी सफाई नजर में नहीं देखी थी जैसी इनको अब देखने को मिली है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस बात को समझें कि मशीन्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनको यूज करने वाले जो सर्जन्स हैं वो कितना डेडिकेटेड तरीके से अपनी मशीन को कंट्रोल करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, यूज करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया कि हर खराब लेंस को ठीक किया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि आपकी स्किल्स ऐसी हों कि आप हर तरीके से हर मशीन को सही समय पे सही काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में हमने वही किया, हमने लेंस एक्सचेंज करने की मशीन, पर्दे के ऑपरेशन करने, जेली को साफ करने वाली विट्रेक्टमी मशीन, ऑप्टिकल बायोमीटर, सब चीजों का इस्तेमाल किया। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि ये जिस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हमने करी, इसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स को करने की नवीन टेक्निक्स के बारे में हम लोग काफी रिसर्च करते हैं। कई सारी टेक्निक्स के लिए हमें एक्चुअली इंटरनेशनली अवार्ड भी किया गया है फॉर सच कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट सर्जरीज। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। बने रहिएगा हमारे साथ, अभी हमारे पास 10 और ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर समझनी है कैटरेक्ट सर्जरी कराने से पहले।